अस्सलाम वालेकुम टू क्लास बेटा, हाउ आर यू? आई होप सो डेट यू ऑल आर फाइन। आज भी हम अपनी बुक एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 एनिमल्स की बुक एक्सरसाइज का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था जो कि फिलिंग दी ब्लैंक्स थी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मैचिंग। यहाँ पर कुछ एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं और यहाँ पर उनसे रेलिवेंट उनके बॉडी पार्ट्स हैं। आपने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मैचिंग करनी है बॉडी पार्ट के साथ, और आपने ये बहुत ध्यान से नीट एंड क्लीन प्यारी प्यारी राइटिंग में पेंसिल और स्केल की मदद से इस पार्ट को सॉल्व करना है अपनी मामा या आप ही की सुपरविजन में जिनके पास भी आप बैठ के पढ़ते हो, ठीक है? सो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारा फॉर फाइटिंग। फाइटिंग के लिए इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट आपके ख्याल में यूज़ होता है? हॉर्न, सींग। वो बोले एनिमल्स जिनके हॉर्न्स होते हैं वो फाइटिंग के लिए हॉर्न्स को यूज़ करते हैं। नाउ द बी पार्ट फॉर कीपिंग वार्म, के अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है बेटा? फर, यानी कि पशम। फर क्या होते हैं? फर जैसे कि कैट और वार्म एनिमल्स यूज फर। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, फॉर ब्रेकिंग ट्री ब्रांचेस, के दरख्त की शाखों को तोड़ने के लिए कौन सा पार्ट यूज़ होगा? ट्रंक। ट्रंक किसे कहते हैं बेटा? जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट की सूंड को हम लोग कहते हैं, क्योंकि आपको पता है एनिमल ये एलिफेंट जो है कितना हाइटेड होता है। तो और आपको ये भी पता है कि ये हर्बीवोर है, ये सिर्फ ट्रीज खाता है या ग्रास वगैरह खाता है। तो जब हाइट होते हैं कोई ट्री तो इसने उसके पत्ते खाने, तो ये अपनी ट्रंक को यूज़ करके उन्हें जो है वो प्लग करता है। नाउ डी पार्ट, डी स्टेटमेंट फॉर स्क्रैचिंग एंड टीयरिंग फ्लैश, के जो गूदा होता है गोश्त उसे उसकी चीड़ फाड़ करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को खुरचने के लिए, स्क्रैचेस के लिए क्या यूज़ किया जाते हैं? क्लॉज, जो पंजे के आगे लगे हुए नाखून हैं, ठीक है? दिस वॉज ऑल अबाउट यू 3 पार्ट बेटा। आपने इसे समझ लिया, अब आपने इसे सॉल्व खुद करना है, ठीक है? अपनी मामा के पास बैठ कर और उन्हें चेक करवा देना नीट एंड क्लीन सी राइटिंग में। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।